प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है का प्रयोग आप सीखने जा रहे हैं। तो ग्रामर का एक बहुत ही ये खास कॉन्सेप्ट माना जाता है। और प्रेजेंट, जैसे कि आपको पता भी है, प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान की स्थिति होती है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ हम इन शब्दों में लगा सकते हैं कि जो हमारे साथ चल रहा है, जो कंटिन्यूअस हमारी नज़रों के सामने चल रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस माना जाता है। इस सेंटेंस को आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। क्योंकि यहाँ पर जो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो पहले तो ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि फर्स्ट पर्सन आपको क्या कह रहा है। पहले भी मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था, और उससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये समझाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को अच्छी तरह समझा। लेकिन एक बार फिर इस सेंटेंस को आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ये मैं आपको समझा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर, स्पीकर मतलब वक्ता, जो बोल रहा है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। कोई भी हो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप बोल रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हैं, तो आप बोल रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हैं। कोई भी अगर बोल रहा है वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और उसको माना जाता है आई या वी। इज इट क्लियर? सेकंड पर्सन जो होता है, जो सुन रहा है, लिसनर, सुनने वाला। अब एक तो बोल रहा है, जैसे कि मैं फिलहाल बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए। तो सेकंड पर्सन में आता है यू, हिंदी में इसको कहते हैं तुम या आप। तो फर्स्ट पर्सन क्लियर है, सेकंड पर्सन क्लियर है, और फिर इसके बाद करते हैं थर्ड पर्सन। जो पर्सन हमारे बीच में है नहीं और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्सन होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब जो हमारे पास है नहीं, जैसे कि वह हो गया, वह फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, या किसी का नाम हो गया, वो पर्सन कहलाता है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ में आई के साथ क्या यूज करना है, एम। यू के साथ यूज करना है आर, और ही के साथ यूज करना है इज, ही या सी। यहाँ पर अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाता है, तो सेंटेंस आगे जो आप बनाने जा रहे हो, जो सेंटेंसेज आप बनाएंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं नहीं मानता कि उसमें आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। वे आपको बड़े ही आसान हो जाएंगे, बड़े ही सेंटेंस को बनाना बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, और उनके साथ में आपको कौन सी वर्ब का यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आपको क्या यूज करना, आई के साथ एम, सेकंड पर्सन यू के साथ आर, थर्ड पर्सन ही या सी के साथ इज, ठीक है। और वी के साथ में आपको ये क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन में आई भी है और आई के साथ में क्या है, वी। वी क्योंकि प्लूरल है, तो वी के साथ में भी आपको आर ही यूज करना है। जितने भी प्लूरल होंगे उन सब के साथ में आपको आर यूज करना है, और सिंगुलर के साथ में इज और आई के साथ हमेशा एम यूज करना है, ठीक है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इस सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपका एक सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें यूज होता है रहा है, रहे हैं, रही है आदि का प्रयोग हम इसमें सीखने जा रहे हैं। लेकिन सेंटेंस की पहचान कैसे करें, ठीक है। यहाँ आपको देखना है कि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रहे हैं या रही हैं आदि शब्द हों, तो वह वाक्य आपका किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का माना जाता है। ये सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता,
टाइम पीरियड का मतलब जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी नज़रों के सामने चल तो रहे हैं लेकिन काफ़ी समय से चल रहे हैं, जिसमें समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समय की बाउंडेशन नहीं होती, समय नहीं होता। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह हंस रहा है, सिंपल सेंटेंसेज कहलाते हैं। इस तरह की जितने भी आपके सेंटेंसेज कहे जाएंगे वे सारे सिंपल कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है उनको। तो ये जो आपको समझाया है ये है आपका स्ट्रक्चर। फर्स्ट पर्सन के साथ आपको एम यूज करना है और उसके बाद फर्स्ट वर्ब और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। अगर ऑब्जेक्ट बचता है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख देना है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर इस फॉर्मेट को समझेंगे, इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पर है मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो सबसे पहले तो अंग्रेजी लिखेंगे मैं की आई, और आई के तुरंत बाद क्या जोड़ देना है आपको, एम। और खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, आई एम प्लेइंग। ये आपका सेंटेंस पूरा हो चुका है, आई एम प्लेइंग। क्लियर है, बहुत आसान है, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। दूसरा सेंटेंस है दौड़ना, तो मैं दौड़ रहा हूँ को सबसे पहले वही आई, और आई के साथ में आपको जोड़ देना है आई एम, और फिर दौड़ने को क्या कहते हैं, रन, आर यू एन आई एन जी। चलो जी, आई एम रनिंग हो गया, क्योंकि रन दौड़ना होता है उसमें आई एन जी जोड़ देना है आपको, तो आई एम रनिंग हो गया। तीसरा सेंटेंस है मैं बेहोश हो रहा हूँ, बेहोश, तो आई एम, बेहोश होने को कहते हैं फेंट, एफ ए आई एन टी, और इसमें क्या जोड़ देना है, आई एन जी, तो फेंटिंग, आई एम फेंटिंग। सिंपल सी बात है, आपको वर्ब का पता होना चाहिए, और आप अगर आपको वर्ब पता है तो सेंटेंस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वर्ब्स, मीन का आपको पता होना चाहिए। तीसरा सेंटेंस, अगला सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम, पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, रीड, तो रीडिंग, आई एम रीडिंग, पढ़ना हो गया, आई एम रीडिंग हो गया। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी बनाएंगे आई एम, डांटने को कहते हैं स्कोल्ड, एस सी ओ एल डी, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, तो क्या हो गया, आई एम स्कोल्डिंग। और ये कहता है तुम्हें, यू, आई एम स्कोल्डिंग यू, ये आपका यू ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसको आपको बाद में ले जाना है। अगला है मैं तुम्हें गुमराह कर रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश वैसी आई, उसके साथ में क्या जोड़ देना आपको, एम, तो गुमराह करने को कहते हैं मिसलीड, तो लिखेंगे आई एम मिस लीडिंग यू, आई एम मिसलीडिंग यू। मैं सच बोल रहा हूँ, तो सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, तो आई, उसके साथ में एम, और सच बोलने कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, तो आई एम स्पीकिंग द, आई एन जी जोड़ देना आपको, मैं यहाँ भूल गया, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर कहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ही आई, आई के साथ आपको लगाना है एम, और झूठ बोलने कहते हैं टेल, टेलिंग अ लाई, तो एम, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आई एम टेलिंग अ लाई। तो यहाँ पर अभी आपने देखा जितने भी सेंटेंसेज हमने यहाँ पर अभी बनाए हैं, उन सब में आई, आई के साथ फिर क्या है, फर्स्ट वर्ब, और फर्स्ट वर्ब में आई एन जी जोड़ देना है, और ऑब्जेक्ट को आपके जो भी ऑब्जेक्ट बचता है वो ले जाना है बाद में। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसके आपको सेंटेंसेज ऐसे ही बनाने हैं। पर्सन में जैसे कि आपको बताया भी था, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, श्रोता, और सुनने वाला कौन होता है, जो सामने है। तो सुनने वाले को हम, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसे बनाएंगे, यू प्लस आर और प्लस वही फर्स्ट वर्ब, उसके साथ में आई जोड़ देना है, जो बाकी बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट बच जाना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ है, तुम या आप, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो तुम बोल दो या आप बोल दो, सेंटेंस वो आपका सेकंड पर्सन ही बोला जाएगा, और उसमें आपको यू जैसे करना है, तुम की अंग्रेजी भी हम यू ही बनाएंगे और आपकी अंग्रेजी भी यू ही बनती है। तो तुम पढ़ रहे हो तो यू, यू के बाद आपको जोड़ देना है आर, जैसे कि स्ट्रक्चर में ऊपर लिखा है, और प्लस फिर कह रहा है खेलना, खेलने का क्या कहते हैं, प्ले, और उसमें क्या जोड़ देना आपको, आई एन जी।
तो तुम खेल रहे हो या आप खेल रहे हो, इसकी अंग्रेजी बनेगी यू आर प्लेइंग। नेक्स्ट है तुम दौड़ रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी बनाएंगे यू, वही फिर उसके बाद तुरंत बाद आर, और दौड़ने को कहते हैं रन, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम आई एन जी, तो तुम दौड़ रहे हो तो यू आर रनिंग। थर्ड सेंटेंस है तुम बिहेव सो रहे हो, तो यू शाबाश आर, बिहेव सोने को क्या कहते हैं, हाँ वेरी गुड, फेंटिंग, तो यू आर फेंटिंग, फेंट मीन्स होता है बेहोश होना और उसमें आपको जोड़ देना है आई एन जी। तो तुम या आप पढ़ रहे हो तो यू आर, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग, तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, उसमें आई एन जी जोड़ दिया तो रीडिंग हो गया। तुम हमें डांट रहे हो, यहाँ पर लिखना है हमें और यहाँ पर भी हमें, तो तुम हमें डांट रहे हो तो यू आर, और डांटने को अभी थोड़ी देर पहले बताते क्या बताया था, स्कॉल्ड, वेरी गुड, यू आर स्कॉल्डिंग, और क्या लिखेंगे अस, यू आर स्कॉल्डिंग अस। तुम हमें गुमराह कर रहे हो तो यू आर, गुमराह करने को भी बताया था, वेरी गुड, मिसलीड, और इसमें जोड़ देंगे आई एन जी और किसको, अस। अब देखो यहां पर चीज समझना है, हमें की अंग्रेजी अगर स्टार्टिंग में होगी तो वी बनाना है, और बाद में अगर प्रोना उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर जाना है तो हमें को अस ही लिखना है। तुम सच बोल रहे हो तो यू आर, सच बोलने के कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, और आई एन जी जोड़ देंगे स्पीकिंग द ट्रूथ, हमेशा ये एक साथ ही लिखा जाता है स्पीक द ट्रूथ। तुम झूठ बोल रहे हो तो यू आर, झूठ बोलने को कहता है टेलिंग, टेल मीन्स झूठ बोलना, आई एन जी जोड़ दिया आपने एल आई, ठीक है। तो ये आपको सेकंड पर्सन के रूप में जिस तरह से सेकंड ये अभी सेंटेंसेज बनाए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेज आप यहाँ इसके साथ ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको उनके वर्ब्स का पता हो, और अगर आपको वर्ब्स का पता है तो उसके साथ में सेंटेंस जो वर्ब है उसमें आपको आई एन जी जोड़ देना है, तो सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस में मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको सेंटेंसेज में फेस करनी पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो वर्ब्स हैं उन पर कमांड कर लेनी है। सेंटेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सेंटेंस ये हैं, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ी सी आपको वर्ड मीनिंग या वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो ये आपका क्या था, सेकंड पर्सन था जो भी आपने यूज किया है, समझे, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कौन कौन आ सकता है ये आपको यहाँ पर देखना है। पहला सेंटेंस जैसे कि लिखा है, पहले तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो थर्ड पर्सन में ही या सी या किसी का नाम भी हो सकता है, या तो ही हो या सी हो या किसी का नाम हो सकता है, और उसके साथ में आपको लेना है इज, और फिर फर्स्ट वर्ब, और फिर फर्स्ट वर्ब में जैसे आप जोड़ते हैं आई एन जी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं आपके, वह पढ़ रही है, तो यहाँ फीमेल है तो फीमेल का यूज करेंगे, फीमेल के लिए यूज करेंगे सी इज, पढ़ने को कहते हैं रीड, और इसमें आई एन जी आपको जोड़ देनी है, तो सी इज रीडिंग। सेकंड, पिंकी खाना खा रही है, तो पिंकी किसी का नाम है, तो नाम के साथ भी आपको इज का यूज करना है, तो पिंकी इज, खाना खाने को कहते हैं ईट, ईट मीन्स खाना होता है, और आई एन जी आपको उसमें जोड़ देना है ईटिंग द फूड, तो पिंकी इज ईटिंग द फूड। वह हमें गुमराह कर रहा है, तो वह की यहाँ पर रहा है तो उसका मतलब मेल है, तो उसकी उसके लिए यूज करेंगे आपको ही, फिर उसके बाद इज, और गुमराह करने को जैसे पहले इसमें सेंटेंस में बताया था मिसलीड, मिसलीड आई एन जी जोड़ देना है, और किसको गुमराह करना है, हमें, ही इज मिसलीडिंग अस, वह हमें गुमराह कर रहा है, ही इज मिसलीडिंग अस, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, वह गुमराह कर रहा है, तो आई एम, ही इज, आई एम नॉट मिसलीडिंग यू बट ही इज मिसलीडिंग यू। वह आटा गूथ रही है, तो फीमेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो सी
आटा गूंथने को कहते हैं नीड, सी के बाद इज और नीड की के एन ई ए डी, नीडिंग आई एन जी में जोड़ देंगे, नीडिंग द फ्लोर एफ एल ओ यू आर, ध्यान रखना एफ एल डबल ओ आर, फ्लोर मीन्स होता है फर्श, ठीक है फर्श, तो यहाँ एफ एल ओ यू आर फ्लोर मीन्स होता है आटा, नीड मीन्स होता है गूंथना आटा और यह है गूंथना, ठीक है गूंथना, जैसे कि चपाती बनाने से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं गूंथना। नेक्स्ट है मोहन मुंह धो रहा है, इस मुंह धोना ऐसे, तो मोहन भी किसी का नाम है तो मोहन और इसके बाद क्या यूज करेंगे इज, और मुंह धोने को कहते हैं स्प्लैश, स्प्लैश और इसमें क्या जोड़ देंगे आई एन जी, स्प्लैशिंग द फेस, तो मोहन इज स्प्लैशिंग द फेस। नेक्स्ट है अनन्या गर्मा गर्म चाय पी रही है, क्या बात है गर्मा गर्म, तो अनन्या इसके बाद क्या रहेंगे इज, क्या पीने को क्या कहते हैं ड्रिंक, चलो ड्रिंक ही कर देते हैं टिकिंग, ठीक है जो भी आपको लगे ड्रिंक और इसमें जोड़ दो आई एन जी, और क्या करिए गर्मा गर्म तो पाइपिंग होट, अनन्या इज ड्रिंकिंग पाइपिंग पी आई पी आई एन जी पाइपिंग होट टी, तो यहाँ ड्रिंक है वर्ब और पाइपिंग होट का मतलब होता है गर्मा गर्म, ठीक है तो अनन्या इज ड्रिंकिंग पाइपिंग हॉट टी। मेरा भाई अखबार पढ़ रहा है, तो मेरे भाई की बात हो रही है तो माय ब्रदर इज, पढ़ने को कहते हैं रीड और क्या माय ब्रदर इज रीडिंग आई एन जी हमने इसमें जोड़ दिया, क्या न्यूज़पेपर, माय ब्रदर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सानिया यहाँ आ रही है, तो सानिया आ रही है तो बात करेंगे तो सानिया इज कमिंग हेयर, क्या लिखेंगे सानिया इज कमिंग, आने को कहते हैं कम आई एन जी जोड़ दिया, और कहाँ पर आ रही है तो यार सानिया इज कमिंग हेयर, ठीक है। फिर कह रहा है मेरा दोस्त बेहोश हो रहा है, तो मेरा दोस्त मैं इस सेंटेंस को यहाँ ले रहा हूँ, तो मेरा दोस्त है तो माय ब्रदर माय फ्रेंड इज, और बेहोश को क्या कहना था फेंट आई एन जी इसमें जोड़ दो माय फ्रेंड इज फेंटिंग, ठीक है। तो ये आपको थर्ड पर्सन का स्ट्रक्चर है, इस तरह के आपको थर्ड पर्सन के सेंटेंसेज बनाने हैं। तो यहाँ पर तीनों जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों के सेंटेंसेज आपने वन बाय वन क्लियर कर ले हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा लग रहा है कोई सेंटेंस में किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई सेंटेंस बनाने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ तो ऑफलाइन है ऑनलाइन दोनों है, लेकिन घर पर जाकर किसी भी तरह की किसी भी सेंटेंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आप टाइप कीजिए, पूछिएगा उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं, ये जो जितने भी अभी आपने किए हैं सब थे पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है जिसको अफर्मेटिव भी कहा जाता है। अभी तक जो आपने सीखे वे सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इससे आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस को, किसी चीज़ को अगर आपको मना करना है तो अब उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो मैं आप फिलहाल बताने जा रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको नोट कर लेना, किसी भी सेंटेंस को का नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा इज एम आर के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हमेशा इज एम आर
कि तुरंत बाद में क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और ये आपने अभी सीखा है इज किसके साथ यूज करना है, एम किसके साथ यूज करना है और आर किसके साथ यूज करना है, ये भी आपने सीखा है। तो जैसे मैं आपके सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वह यहाँ पर है, वह खेल नहीं रहा है, वह नहीं खेल रहा है, ऐसे लिख दो चाहे, वह नहीं खेल रहा है, ये तो हिंदी में है। तो हम ये क्या है, वह क्या है, थर्ड पर्सन है, तो वह की इंग्लिश बनाएंगे ही और ही के बाद क्या लिखेंगे, इज। और मैंने बताया ना इज के तुरंत बाद नॉट, और खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, आई एनजी इसमें जोड़ देंगे, तो ही इज नॉट प्लेइंग। तुम सच नहीं बोल रहे हो, तुम सच नहीं बोल रहे हो, तो तुम की इंग्लिश बनाएंगे यू, और अभी आपने पढ़ा यू के साथ क्या यूज करना है, आर, और इसके तुरंत बाद यूज करना है नॉट, और सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, तो स्पीक आई एन जी इसमें जोड़ देंगे और क्या लिख देंगे, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। वह झूठ नहीं बोल रहा है, या वह की जगह हम लिख देंगे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आपको, हम की इंग्लिश बनाएंगे वी आर, वी के बाद तुरंत बाद क्या करना है, यूज आर, क्योंकि ये प्लूरल है, और इसके तुरंत बाद यूज करेंगे नॉट, और क्या कह रहा है, झूठ बोलना, टेलिंग ए लाई, वह झूठ नहीं बोल रहा है, तो ही इज नॉट या वी आर नॉट टेलिंग ए लाई। वे यहां नहीं आ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आपको, वे की इंग्लिश बनाएंगे दे, ये प्लूरल है, तो इसके साथ आर और इसके तुरंत बाद नॉट, और आने को क्या कहते हैं, कम, आई एन जी इसमें जोड़ देंगे, और कहां पर, यहां पर, दे आर नॉट कमिंग हेयर। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इज एम आर के तुरंत बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं फर्स्ट पर्सन से, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ क्या लिखेंगे, मैं इंग्लिश बनाएंगे आपको आई के साथ में एम, और नहीं कह रहा है तो नॉट, और पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और क्या, द न्यूज़पेपर, तो आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो यहां पर अभी मैंने बताया कि इस तरह के एग्जांपल्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, इज एम आर के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में आपको पता है क्वेश्चनिंग का काम होता है, पर्सन पूछने का, तो पर्सन पूछने के दो तरीके आपके हो सकते हैं, या तो क्या से शुरुआत होकर के, या कोई क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे कि क्या तुम खेल रहे हो, क्या वह पढ़ रहा है, क्या हम सच बोल रहे हैं, क्या वह झूठ बोल रहा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो मैं इसके बाद लेकर चलूँगा, पहले आप ये समझ लीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, तब, जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, तो इसकी जो सेंटेंस की बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट लिखा है, पहले लिखा है इज, फिर एम, फिर आर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब, उसमें आई एन जी जोड़ देना है, और फिर आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, अगर सिंगुलर है तो इज, और फर्स्ट वर्ब फर्स्ट पर्सन है तो एम, और प्लूरल है तो आर पहले यूज करेंगे। जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, तो यहां पर आपको पहचान कर लेनी है कि सेंटेंस क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन का है, तो यहां पर तुम प्लूरल है, तो पहले यूज करेंगे आर, और इसके तुरंत बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहां, तुम, यू, और फिर इसके बाद यूज करना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है, सच बोलना, स्पीक, और आई एन जी जोड़ देंगे, द ट्रूथ, ठीक है। और यहां पर क्या रखना है, क्वेश्चन मार्क आपको
लगा लेना, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो क्या तुम सच बोल रहे हो, इसकी इंग्लिश हो गई आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। सेकेंड सेंटेंस है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं, तो यहाँ पर आपको यूज ये पहचान करना है। तो ये क्या है, क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपको यूज करना है एम और फिर आई, और झूठ बोलने को कहते हैं टेल, टेलिंग अ लाई। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आपको, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो एम आई टेलिंग ए लाई, ये इसका सेंटेंस बन जाता है। थर्ड है क्या वे यहाँ आ रहे हैं, तो वे क्या है प्लुरल है, तो आर, और फिर क्या वे की इंग्लिश बनाएंगे दे, आर दे, यहाँ आने को कहते हैं, आने को कहते हैं कम, और आएंगे इसमें जोड़ देंगे कमिंग हेयर, आर दे कमिंग हेयर आ गया। नेक्स्ट है क्या हम खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है हम प्लुरल है, तो इसकी बनाएंगे पहले, बनाएंगे पहले लिखेंगे आर वी, और खेलने क्या आता है प्ले, आर वी प्लेइंग, ठीक है क्वेश्चन मार्क। फिर क्या राधा सो रही है, तो यहाँ पर राधा क्या सिंगुलर है, तो राधा के लिए इज, फिर राधा का नाम राधा, इज राधा, सोने को कहता है स्लीपिंग, तो इज राधा स्लीपिंग। तो यहाँ पर देखो एक चीज मैंने यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर राधा का जो पहला वर्ड है वो हमने क्या बना, राधा के नाम का पहला अक्षर कैपिटल बना दिया। तो किसी का भी नाम अगर आता है वो प्रॉपर नाउन कहलाती है, और प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में हो या पहले हो या लास्ट में हो, तो कहीं पर भी अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट वर्ड आपको हमेशा कैपिटल ही बनाना है। तो यहाँ पर जो पहला इंटरोगेटिव का जो पहला कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया है कि अगर क्या से शुरुआत सेंटेंस की होती है तो कैसे आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो इज एम आर इसी से ही आपको उसकी स्टार्टिंग कर लेनी है, फिर उसके बाद आपको क्या यूज करना है सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आपको फर्स्ट वर्ब और उसमें आईएनजी जोड़ते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर लेना है। यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम शर्मा क्यों रहे हो, वह झूठ क्यों बोल रहा है, मोहित कहाँ जा रहा है, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हें कौन डांट रहा है, इस तरह के सेंटेंसेज आपके सामने बहुत सारे आ सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ समझना है। तो पहले तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया वो सबसे पहले आपको ले लेना है। उसके तुरंत बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो इज, प्लुरल है तो आर, और फर्स्ट पर्सन है तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर आपको क्या जोड़ लेना है वर्ब और उसमें आईएनजी, और अगर बचा कुचा है तो लास्ट में जोड़ लेना आपको ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आप पहले सेंटेंस है तुम शर्मा क्यों रहे हो, तो सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे हम शर्मा क्योंकि, तो क्यों को कहते हैं वाई, और यहाँ इसने क्या यूज किया है तुम है तो प्लुरल है तो वाई आर यू, ठीक, और शर्मा ने कहता है फील साई, फीलिंग साई, तुम शर्मा क्यों रहे हो तो यू वाई आर यू फीलिंग साई, फीलिंग साई को कहते हैं शर्मा नाम। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह झूठ क्यों बोल रहा है, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे हम वाई, वह सिंगुलर है तो इज, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट कौन है, वह ही, और झूठ बोलने को कहते हैं टेलिंग ए लाई। वह झूठ क्यों बोल रहा है तो वाई इज ही टेलिंग ए लाई। नेक्स्ट है मोहित कहाँ जा रहा है, तो मोहित सिंगुलर है तो सबसे पहले यूज करेंगे कहाँ जा रहा है, जो इसने क्वेश्चन वर्ड यूज किया तो कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे वेयर, फिर इज, फिर क्या लिखेंगे मोहित गोइंग, ठीक है वेयर इज मोहित गोइंग, फिर क्या है तुम क्या खा रहे हो, तो क्या की इंग्लिश बनाएंगे व्हाट, और तुम यूज किया है तो प्लुरल है तो आर यू, और खाने को कहते हैं ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। क्वेश्चन जो साइन है इसका वो आपको बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल उसको नहीं भूलना है। तो लास्ट का सेंटेंस तुम्हें कौन डांट रहा है, तो कौन की इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले हु, और
आर यू डांटने कहते हैं स्कॉल्ड, तुम्हें कौन डांट रहा है। इस तरह से अगर सेंटेंस के बीच में क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो आपको इसी तरह से ट्रांसलेशन करने ट्रांसलेट करना है उस सेंटेंस को। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर अभी आपने क्या सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों फॉर्मेट, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, तीनों फॉर्मेट को आपने सीखा है वन बाय वन।